मित्रों, मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि मेरे दो शब्द की आपने जिस प्रकार से इज्जत की है, मैं इसे कभी नहीं भूल सकता। आपके इस प्रेम को, आपके इस आदर को, आपकी इस भावनाओं को भाइयों बहनों में भली भांति समझ सकता हूं। कर्नाटक अपने 5 वर्ष का भविष्य तय करने जा रहा है। भाइयों बहनों, निर्णय आपको करना है कि आप ये कर्नाटक किसके हाथ में सुपुर्द करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता कांग्रेस को बार बार कह रहे हैं कि कम से कम ये तो बताओ कि आपका मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन है। यहां की जनता पूछ रही है कि भाई आप हाथ तो दिखा रहे हो, करी चेहरा तो दिखाओ। मित्रों, बिना चेहरे वाले हाथ से पता नहीं वो किसका हाथ हो सकता है, वो हमें बचाएगा या बर्बाद करेगा, ये कहना कठिन हो जाता है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं जगदीश जी को सालों से जानता हूं, पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उनके साथ कार्य करने का मुझे सौभाग्य मिला है। भाइयों बहनों, जो कर्नाटक की हालत हुई थी, अगर किसी व्यक्ति के भीतर अप्रतिम गुण न हो, धैर्य न हो, जनता के प्रति प्रेम न हो, राज्य की भलाई का सपना न हो, संपूर्ण समर्पण न हो, तो जिस संकटों के बीच से जगदीश जी ने पिछले 9 महीने शासन दिया है, शायद ही कोई दे पाता। भाइयों बहनों, चुनाव में मैं कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहे सभी बंधुओं का अभिनंदन करना चाहता हूं, पार्टी के भीतर उतार चढ़ाव आए थे, हम आंतरिक संकटों से जूझे थे, घर के भीतर कठिनाइयां झेली थी, लेकिन भाइयों बहनों, भाजपा के भीतर कुछ भी उबाल चला क्यों न हो, लेकिन कर्नाटक की विकास यात्रा में भाजपा की सरकार ने कभी भी उतार चढ़ाव का अवसर आने नहीं दिया, निरंतर चढ़ाव की ओर कर्नाटक को ले जाने का प्रयास अविरत रूप से किया है। और मैं कर्नाटक के भाइयों बहनों को आज एक ऐसे उदाहरण से परिचित कराना चाहता हूं
शायद हमारे मीडिया के मित्र भी इस जानकारी को बड़ी गंभीरता से सुनेंगे। मित्रों, कर्नाटक और गुजरात दोनों प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी का उदय करीब बराबर 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 हुआ था। और जो मुसीबतें कर्नाटक ने झेली, वो सारी मुसीबतें गुजरात में हमने भी झेली थी। 1995 में कांग्रेस से तंग आई हुई गुजरात की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में 2/3 बहुमत से विजय दिलाई। लेकिन इतिहास गवाह है दोस्तों, 95 में 2/3 बहुमत से हमें शासन मिला था, लेकिन पार्टी की अंतर्व्यवस्था को और शासन व्यवस्था को संभालने का हमारा अनुभव नहीं था। दोनों का तालमेल करके कैसे चलना चाहिए, हम नए थे, सीख रहे थे, पहली बार शासन में आए थे और उसके कारण हमें कठिनाइयां हुई। 95 में 2/3 बहुमत से आए, हमारे भीतर ही तूफान खड़ा हो गया। 9 महीने में हमारी एक सरकार चली गई, दूसरा मुख्यमंत्री आया, साल भर में उसको जाना पड़ा। 5 साल के कालखंड में 4-4 सरकारें बदली गई, गवर्नर रूल भी आया, अनेक कठिनाइयों के बीच से हम गुजरे। और ये लग रहा था कि अब गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुड़ करके देखेगी नहीं। लेकिन भाइयों बहनों, गुजरात की जनता ने, वहां के मतदाताओं ने बहुत ही सूझबूझ के साथ निर्णय किया। और लोकतंत्र में जनता की एक दृष्टि होती है, एक ताकत होती है। सारे मीडिया प्रिडिक्शन थे कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा जीत नहीं सकती है। हमारे भीतर तूफान हो चुका था, लेकिन भाइयों बहनों, गुजरात की जनता उन घटनाओं को और सरकार के काम को अलग किया, सरकार के विकास की यात्रा को गहराई से देखा और परिणाम यह आया कि गुजरात की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति गौरव करके फिर से 2/3 बहुमत दिया। जो अपप्रचार की आंधी गुजरात पे चली थी, वही अपप्रचार की आंधी कर्नाटक में भी चल रही है। और मुझे जितना भरोसा गुजरात के मतदाताओं पर रहा है, उतना ही भरोसा मेरे कर्नाटक के मतदाताओं के ऊपर है।